जय मसीह सबके लिए। सब लोग कैसे हैं?
अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद हालेलुया 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 धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रवेश क्योंकि आप जीवित हो प्रवेश एकमात्र परमेश्वर हो प्रवेश मैं आपकी स्तुति करती हूँ मैं आपकी महिमा करती हूँ प्रवेश आपके नाम को मैं ऊँचा उठाती हूँ प्रवेश क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हो आप योग्य परमेश्वर हो प्रवेश आदि और अंत आप ही हो प्रवेश अल्फा और ओमेगा आप ही हो प्रवेश मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश आज के दिन के लिए प्रवेश आज तक आपने मुझे संभाले रखा प्रवेश इसलिए धन्यवाद प्रवेश हर एक बुराई से बचा के रखा इसलिए धन्यवाद प्रवेश हर एक महामारी से बचा के रखा इसलिए धन्यवाद प्रवेश मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए प्रवेश उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो इस प्रार्थना के योग्य से बनाओ प्रवेश इस घर के चारों ओर प्रवेश आपका पवित्र लहू लगाते प्रवेश जितने भी बहने यहाँ पे हैं प्रवेश उन सबको मैं आपके हाथ में देती हूँ आपके पवित्र लहू से कवर करते प्रवेश कलिशा से जुड़े हुए सारे बहनों को प्रवेश मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रवेश हर एक सदस्य को आपके हाथ में देती हूँ सबके परिवारों को आपके हाथ में देती हूँ प्रवेश आप सबको जानते हो प्रवेश हम हांगकांग में प्रवेश हमारे सबके परिवार इंडिया में प्रवेश हो उनके साथ भी आप रहना प्रवेश उनके भी प्रवेश संरक्षण करना प्रवेश उनका उनको भी प्रवेश आपके मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करना आज का दिन सुंदर समय आपके हाथ में देते हैं प्रवेश इस प्रार्थना को भी आपके हाथ में देती हूँ सारा आदर गौरव महिमा प्रवेश मैं आपको देती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ सुन और कबूल कर पिता आमीन 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 धन्यवाद प्रवेश जय मसीह सभी के लिए आओ हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया 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 धन्यवाद 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 प्यारे पिता मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए हाँ प्रभु यीशु आप महान परमेश्वर है आप ही जीवित परमेश्वर है हमारा परमेश्वर करके धन्यवाद देती हूँ आप ही राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है प्रभु आज का ये सुंदर दिन प्रभु आपने हमें दिखाया इसके लिए धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज प्रभु इस पूरे दिन में प्रभु आपने हमें संभाला इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु आपने हमें प्रार्थना का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आप ही हमें चलाने वाला परमेश्वर है आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो रही है करके धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपने हमारे लिए ये प्रार्थना के लिए घर खोला है प्रभु आपका दीदी का इसके लिए धन्यवाद देती हूँ धन्यवाद देती हूँ कि हम जितने भी बहने यहाँ पे इकट्ठा है प्रभु सभी के साथ आप हैं और सभी को प्रभु आप आशीषों से भरने वाले करके धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु आप भी हम सारी बहनों को एकता में बांधने वाला परमेश्वर भय में चलने वाला परमेश्वर आपके भय के द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ रहे करके धन्यवाद देती हूँ धन्यवाद देती हूँ प्रभु हम सारी बहनों को प्रभु आपने संभाला है हमारी हर एक जरूरत को आपने पूरा किया करके धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ सभी की इच्छा को प्रभु आप जानने वाला परमेश्वर है क्योंकि आपसे कुछ भी छिपा नहीं है धन्यवाद देती हूँ सभी की इच्छा के अनुसार प्रभु आपने उनके जीवन में आनंद और खुशियाँ दी है इसके लिए धन्यवाद हर एक तरह का आनंद और खुशी आप ही से मिलते करके मैं धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु सारी बहनों को चंगाई देने वाला भी आप है क्योंकि प्रभु आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए और प्रभु हमारे पूरे परिवार के हर एक सदस्य को भी आपने चंगाई दी है उन्हें आशीषित किया करके धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु पूरा दिन प्रभु आपने हमें संभाला आज का आशीषित भरा दिन आराम वाला दिन आपने हमें दिखाया इसके लिए धन्यवाद आज के इस दिन में प्रभु हम जो भी वचन सुनेंगे प्रभु वचन आपकी तरफ से करके मैं धन्यवाद देती हूँ उस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु आप हमें समझाना हमें बुद्धि देना समझ देना ताकि उस वचन के द्वारा हम चले और वचन हमारे जीवन में कार्य करे धन्यवाद जो भी वचन प्रभु आपने दिया है उस वचन के द्वारा प्रभु हम अपने जीवन का हर एक कार्य करें हर एक काम करें और आपके भय में चले प्रभु धन्यवाद देती हूँ धन्यवाद देती हूँ धन्यवाद देती हूँ प्रभु हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद 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 प्यारे पिता आपने मेरी प्रार्थना सुनी स्वीकार करके धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ जय मसीह सबके लिए अब हम भजन संहिता पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 21 का 1-7 तक के वचन देखेंगे हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनंती को तूने अस्वीकार नहीं किया क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ
उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से अभिभूत कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। आमेन। आमेन। अब हम प्रार्थना करते हैं फिर से एक बार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। फिर से एक बार आपके चरणों में आती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, मैं देशों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हाँ प्रभु यीशु, भारत देश को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। भारत देश को संभालने वाला आप है, भारत देश को बनाने वाला आप है प्रभु। भारत देश को अपने हाथों से अपने बनाया करके धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। भारत देश की हर एक गड़बड़ी को प्रभु आप जानते हैं प्रभु। अभी इसी वक्त प्रभु जो भी हालत वहाँ पे है प्रभु आप जानते हैं प्रभु। कोरोना वायरस की महामारी फिर से बढ़ रही है प्रभु। प्रभु इस महामारी से सबका आप रक्षण करना प्रभु, और इस महामारी को जल्द से जल्द दूर करना प्रभु। प्रभु भारत देश को और वहाँ पे बसने वाले हर एक नागरिक को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आप अपने पवित्र लहू के द्वारा सभी को सुरक्षित देना प्रभु। आपने सभी को सुरक्षित दिया, भारत देश को सुरक्षित दिया और सबका रक्षण किया करके धन्यवाद देते। कोरोना वायरस के महामारी को आपने जल्द से जल्द नष्ट किया, इसके लिए आपका धन्यवाद देते। भारत देश को चलाने वाले मंत्री उपमंत्री नेता सभी को आपके हाथों में सौंपे प्रभु। उनको बुद्धि से भरना ताकि वो अपना कार्य सही तरीके से करे और भारत देश को आगे बढ़ाए प्रभु। उनको प्रभु आप संभालना और अपने सच्चे दिल से सच्चे मन से वो भारत देश के लिए कुछ करे ऐसा प्रभु उन्हें बनाना प्रभु। प्रभु आपने उन्हें ऐसा बनाया करके धन्यवाद देते। उन्होंने अपना कार्य सही तरीके से किया और भारत देश को आगे बढ़ाया करके धन्यवाद देते। भारत देश को अपने आशीषित किया करके धन्यवाद देते प्रभु। हांगकांग देश को भी आपके हाथों में सौंपते। हांगकांग देश को भी प्रभु आपने संभाला है करके धन्यवाद देते। हांगकांग देश में प्रभु आपने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया और एकता में बांधे करके धन्यवाद देते। हांगकांग देश में प्रभु आपने हम सबको रोजी रोटी दिए करके धन्यवाद देते प्रभु। यहाँ पे हांगकांग देश को आपने आशीषित किया, आगे बढ़ाया करके धन्यवाद देते। यहाँ की हर एक समस्या में प्रभु आप हमारे साथ थे और हांगकांग देश की हर एक समस्या को आपने दूर किया करके धन्यवाद देते। हांगकांग देश को भी प्रभु आपने आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया करके धन्यवाद देते। आसपास के जो भी देश है प्रभु, जापान, श्रीलंका, नेपाल, प्रभु हर एक देश को आपने बनाया, हर एक देश को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक देश को प्रभु आपने आगे बढ़ाया, संभाला, रक्षण किया करके धन्यवाद देते धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हिंदी इंग्लिश कलेशा को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। हिंदी और इंग्लिश कलेशा बनाने वाला आप है प्रभु। ये दोनों कलेशा आपने बनाई करके धन्यवाद देते हो। इन दोनों कलेशों को प्रभु आपने आशीषित किया, आगे बढ़ाया करके धन्यवाद देते हो। दोनों कलेशों में प्रभु आपने अनगिनत नई आत्मा दी करके धन्यवाद देते हो। ये दोनों कलेशा प्रभु आपके नाम से गूंज उठी करके धन्यवाद देते। दोनों कलेशों को प्रभु आपने आगे बढ़ाया करके धन्यवाद देते धन्यवाद देते प्रभु। भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती प्रभु। हाँ प्रभु, जितने भी मेरे भाई बहन इस कलेशों से जुड़े हैं प्रभु, सभी को प्रभु आप जानते हैं प्रभु, क्योंकि सबको आपने चुना है और इस कलेशा से जोड़ा है प्रभु। हर एक बहन की हर एक जरूरत को प्रभु आप जानते हैं। सभी की जरूरतें आप पूरा कर रहे हो करके धन्यवाद देते। सभी के परिवारों को आपने संभाला करके धन्यवाद देते। मेरी सारी बहनों को प्रभु आपने संभाला, आशीषित किया, आगे बढ़ाया करके धन्यवाद देते धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं नौकरी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, माला, कुणाल, सुनील और जाकी के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, इन चारों को प्रभु नौकरी की जरूरत है प्रभु। नौकरी देने वाला आप है प्रभु। चारों को प्रभु आपने नौकरी दी करके धन्यवाद देते। इनके काबिलियत के अनुसार सही समय पे सही जगह पे आपने इन्हें नौकरी दी, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। दोनों की नौकरी की समस्या दूर हुई करके धन्यवाद देते धन्यवाद देते। स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु। जो भी बीमार है प्रभु आप जानते हैं प्रभु। सभी को चंगाई देने वाला आप है प्रभु। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है प्रभु। प्रभु हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते। सभी के अलग अलग स्वास्थ्य की समस्या प्रभु, सभी को आप चंगाई देने वाला है करके मैं धन्यवाद देते हूँ। आपने सभी को चंगाई दी करके धन्यवाद देते हूँ। खास करके प्रभु रंजना माँ के पाँव का दर्द आपने दूर किया, उन्हें पूरी तरीके से चंगाई दी करके धन्यवाद देते हूँ। प्रभुल को आपने चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद देते हूँ। उसके तीनों नसों में प्रभु आपने अपना लहू दौड़ाया, उसके तीनों नसों ने पूरी तरीके से काम करना शुरू किया, पूरी तरीके से उसे आपने चंगाई दी, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद देते हूँ प्रभु। साधना को भी अपने चंगाई दी करके धन्यवाद देते हूँ। उसके पोते को प्रभु आपने नया जीवन दिया, उसे अपने पाँव पे खड़ा किया करके धन्यवाद देते हूँ।
लेकिन प्रभु जो भी समस्या आप जानते हैं प्रभु, उसके पाँव में जो भी पसीना आ रहा है प्रभु, उस पसीने को प्रभु आप दूर करना, उसे जल्द से जल्द चंगाई देना प्रभु। प्रभु आपने उसे जल्द से जल्द चंगाई दी, उसके पाँव का पसीना दूर किया करके धन्यवाद देते, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कैंसर पीड़ित के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, रोनी भाई साहब और प्रभु महक की टीचर दोनों को कैंसर है प्रभु। प्रभु दोनों के साथ आप हो करके धन्यवाद देते हो, दोनों के जीवन में आप कार्य कर करके धन्यवाद देते हो। इन दोनों को प्रभु आपने कैंसर से छुटकारा दिया करके धन्यवाद देते हो। कैंसर से प्रभु आपने इन्हें बचाया और इनके शरीर से कैंसर की बुरी आत्मा को आपने दूर किया, नष्ट किया करके धन्यवाद देते हो। दोनों को आपने नया जीवन दिया करके धन्यवाद देती हूँ। इन दोनों को जिस भी चीज़ की जरूरत है प्रभु आपने उन तक पहुँचाई, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरे सारे भाई बहन आपके कोड़े खाने से चंगे हुए करके मैं विश्वास करती हूँ, और प्रभु अभी इसी वक्त सबको चंगाई मिली करके मैं आपको धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु। छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ सत्तू के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, यीशु सत्तू को प्रभु आपने चुनाए करके धन्यवाद। सत्तू के जीवन में आप कार्य करे करके धन्यवाद प्रभु। सत्तू को जो भी छुटकारा चाहिए प्रभु, वो छुटकारा आप देने वाले, क्योंकि छुटकारा आप ही पास है। प्रभु आपने सत्तू को छुटकारा दिया करके धन्यवाद, उसे अपने नया जीवन दिया करके धन्यवाद। आप उसके साथ है करके धन्यवाद धन्यवाद देते हो प्रभु। हर एक प्रार्थना आपने सुनी, हर एक प्रार्थना का आपने उत्तर दिया करके धन्यवाद देते हो, धन्यवाद देते हो प्रभु। आपने मेरी प्रार्थना सुनी, स्वीकारी करके धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। अब हम स्तुति आराधना में जाते हैं, उससे पहले मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रवेश, सचमुच प्रवेश सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हम स्तुति आराधना करने जा रहे हैं प्रवेश, आप हमारे साथ में रहना, पवित्र आत्मा आप हमें मार्गदर्शन करना, सहायता करना, धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश। कर दे भर दे आत्मा से अभिषेक, कर दे भर दे आत्मा से तेरे कामों इच्छा को समझ ले, को समझ ले तेरे और करीब प्रभु और करीब आना है यीशु, आना है तेरे और करीब प्रभु और करीब आना है यीशु, आना है अभिषेक कर दे भर दे आत्मा से अभिषेक, कर दे भर दे आत्मा से तेरे कामों इच्छा को समझने, समझने तेरे और करीब प्रभु और करीब आना है यीशु, आना है तेरे और करीब प्रभु और करीब आना है यीशु, आना है, आना है सचमुच प्रवेश। आप हमारा अभिषेक कर दो, आपके आत्मा से भर दो, ताकि आपका कार्य हम सच्चाई से कर सकें। हम सबको प्रवेश आपके आत्मा से भर दो, क्योंकि आपके करीब आना है प्रभु, आपके पास आना है प्रभु, हमें आपका आशीष पाना है हम प्रवेश। धन्यवाद देते हैं प्रवेश इस दिन के लिए प्रवेश, सचमुच प्रवेश आप कितने महान हो प्रवेश,
आपका काम आपने हमारे द्वारा करवा लिया इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस घर को प्रवेश प्रार्थना के लिए आपने खोला इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस घर में रहने वाले सब सदस्य को प्रवेश में आपके हाथ में देती हूँ, उनके सारे इच्छाओं को प्रवेश में आपके हाथ में देती हूँ, उनके पूरे परिवार को आपके हाथ में देती हूँ, सब बच्चों को प्रवेश आपके हाथ में देती हूँ, सबके विचारों को प्रवेश आपके हाथ में देती हूँ, उनको आप आशीषित करना प्रवेश, क्योंकि आपकी प्रार्थना के लिए इस घर को खोला है प्रवेश। आप बहुगुणित करो प्रवेश, सच में प्रवेश आशीषित करो प्रवेश, उनके घर में आलका के घर में प्रवेश हो, सच में आपने इतनी बड़ी खुशियां दी है प्रवेश, उस पोती को ला के प्रवेश आपने उनका घर आशीषित किया इसलिए धन्यवाद प्रवेश। प्रवेश इस प्रार्थना के लिए इस घर को खोला है इसलिए धन्यवाद प्रवेश, इस घर को आप आशीषित करो प्रवेश, धन्यवाद देते प्रवेश, इस समय को आपके हाथ में देते प्रवेश, धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े में घटू रहे उसी का ध्यान, वो बड़े में घटू रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। भक्ति स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे यहाँ भी रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले, आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले, यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले, यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। सचमुच प्रवेश आज का दिन आपने दिया है प्रवेश, आपके स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रवेश, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रवेश, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर प्रवेश, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर प्रवेश, मैं आपको स्तुति करती हूँ प्रवेश। सच में प्रवेश आज का दिन आपने दिया है प्रवेश, आपकी महिमा करने के लिए प्रवेश, आपके गुणगान गाने के लिए प्रवेश, आपका आशीष पाने के लिए प्रवेश, हम सब आशीषित है प्रवेश, आपके द्वारा प्रवेश, आपके तरफ से मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश। आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के नाम से।
आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, अब मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा, नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, 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 बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा, बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा, क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे, क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, 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 सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता जय देने वाला है, सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता जय देने वाला है, एक कंठ से हम होसाना गाकर सबको बताएंगे, एक कंठ से हम होसाना गाकर सबको बताएंगे, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, 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 मेरे यीशु के चरणों में, मेरे यीशु के चरणों में, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं आपके पवित्र नाम के साथ आपके पास आते हो सभी प्रार्थना करना चाहती हूँ, धन्यवाद हर एक बात के लिए, आज के दिन के लिए, आज मेरे घर में अपनी प्रार्थना का समय दिया करके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक चीज के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन में अपने कार्य मेरे घर में खुशी आई इसके लिए धन्यवाद देते हैं, मेरी माँ भी ठीक होकर घर आई इसके लिए धन्यवाद करते हैं, हर तरफ से खुशियों का हमें वरदान दे रहे हो पिता परमेश्वर, ये आप ही का आशीष है मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करो, मेरी कलीसिया के हर बहनों को हर खुशी दी करके धन्यवाद करो, हर एक की जरूरत को पूरा किया करके धन्यवाद करो, हर एक की जरूरत को आपके हाथ में देती हूँ, मेरी कलीसिया को बढ़ाने के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करो, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। शरण का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शरण का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिसे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता
हो जाता। तूने मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तूने मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। शहरों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सच में प्रवेश तू है सबसे प्रिय प्रवेश। तू हमारे लिए सब कुछ है प्रवेश। तू महान है प्रवेश। तू मसीहा है प्रवेश। हमारे लिए पैदा हुआ प्रभु। हमारे पापों के लिए प्रवेश। हमें क्षमा देने के लिए प्रवेश। हमें दया देने के लिए। हमें प्रेम देने के लिए। हमें आशीष देने के लिए तू पैदा हुआ प्रभु। सचमुच प्रवेश सब कुछ तेरे पास है। सब कुछ तेरे से शुरू है प्रवेश। तुझे के पास अंत है प्रवेश। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। धन्यवाद प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश। और प्यार और समर चाहता हूँ मेरे खुदा। और प्यार और समर चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा। आराधना तेरी मैं मन से करूँगा। आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा। सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा। आराधना तेरी मैं मन से करूँगा। आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा। सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा। सच में प्रवेश और प्यार और सामर्थ आपका चाहिए क्योंकि आपकी सेवा हम सदा सर्वदा करते हैं। आपके प्यार में हम बने रहे प्रभु। आपके आशीष में हम बने रहे प्रभु। आपका और प्यार और आप सामर्थ की हमें जरूरत है। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। पवित्र आत्मा आप आओ आपके नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो। हमारे आत्मिक कानों को खोलो। हमारे आत्मिक हृदय खोलो ताकि प्रभु हम इस वचन को सुन सके। धन्यवाद। पवित्र आत्मा
आपने हमें सहायता की स्तुति आराधना करने में धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, सुन और कबूल कर। जय मसीह सबके लिए। मेरे सारे ऑनलाइन देखने वाले भाई बहनों का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। मैं रंजना मसूरकर यीशु जीवन कलीसिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। और बाइबल के द्वारा आज हम सीखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है। तो हम देखते हैं, गए हफ्ते में सारे लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे, प्रेम की भाषा बोल रहे थे, बहुत प्रेम में बढ़ रहे थे। तो देखते हैं हम प्यार की भाषा क्या होती है, बाइबल के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमें प्यार का मतलब कैसे समझाता है, प्यार कैसा होता है ये हम प्रभु यीशु से जानेंगे, प्यार कैसा किया जाता है ये मसीह सिखाएगा हमें। तो अब हम वचन के द्वारा देखेंगे। तो इस वचन के लिए मैं थोड़ी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ, फिर हम वचन में जाएंगे। हालेलुया 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 धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। मैं लीन और नम्र हो के आपके चरणों के पास आते हूँ प्रभु, आप मुझे आपका पवित्र ऐसा मार्गदर्शन दो। इस वचन को बताने के लिए प्रभु आप मुझे सहायता करो, पवित्र आत्मा आप मुझे मार्गदर्शन करो, मेरे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो। इस वचन को मुझे बताने के लिए आपके मुझे शब्द दो, आप पवित्र आत्मा मुझे मार्गदर्शन करो। जो भी इस वचन को सुनने के लिए प्रवेश इस समय पर बैठे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा उनको भी प्रवेश आपके पवित्र आत्मा के द्वारा उनके आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि इस वचन को सुन के इस वचन के मुताबिक चले प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रवेश समय के लिए, पवित्र आत्मा आपने मुझे मार्गदर्शन किया इसलिए धन्यवाद, आपने मुझे आशीषित किया इसलिए धन्यवाद, आपने आपके शब्द मेरे मुख में भरे इसलिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपने मुझे सहायता की, मदद की और मार्गदर्शन भी किया इसलिए धन्यवाद प्रभु। वचन पे आपने आशीषित किया इसलिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 धन्यवाद। तो हम आज के वचन की शुरुआत करेंगे, प्रेम का है ना संदेश ये, तो परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया हमसे देखेंगे। तो बाइबल में हम देखेंगे यूहन्ना 3:16, बहुत फेमस है ये वचन, सबको मुजाबानी याद भी हो जाता है तुरंत, क्योंकि इस वचन पे ही पूरा बाइबल आधारित है। इस वचन क्या है, यूहन्ना शुभ वर्तमान उसका 13:16 यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो के उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। तो परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया हमसे, एकलौता पुत्र देके, एकलौता पुत्र दिया और हमारे पापों के लिए उसने क्या किया, बलिदान हुआ। अभी हम देख रहे हैं ईस्टर का महीना शुरू हो गया है, तो 40 दिन लोग उपवास में रहते हैं, परमेश्वर के करीब रहते हैं। तो हम अभी सीख रहे हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में। तो परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया देखा ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, सिर्फ एक से नहीं, क्रिश्चियन लोगों से नहीं, कैथलिक लोगों से नहीं, मगर उसने जगत से प्रेम किया। अभी जग में कितने सारे जातियाँ है ना मनुष्य ने बनाई है, मगर सारे जगत से प्रेम किया है उसने, सारे जगत के पापों को बचाने के लिए, सारे जगत को पापों से अलग करने के लिए उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा। ये शरीर देखो मिट्टी का है बनाया हुआ, मिट्टी का शरीर तो मिट्टी में मिल जाने वाला है, मगर हमारे आत्मा का क्या होगा, वो सोच के हमें प्रभु यीशु को अपनाना है, परमेश्वर के प्यार को अपनाना है, प्रभु यीशु का प्रेम हमें स्वर्ग में लेके जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु एकमात्र जो परमेश्वर है जो हमें स्वर्ग ले जाएगा। क्योंकि मत्ती 14:6 में कहा है, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, मेरे द्वारा ही स्वर्ग का राज है। तो हमें क्या करना है, प्रभु यीशु के पास आना है, परमेश्वर ने जो प्रेम किया है हमसे वैसा ही हमें एक दूसरे से प्रेम में रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वो परमेश्वर का वजह ही है प्रेम में जीने की।
और वो प्यार बांटने के लिए हमें आया था। तो वैसा ही प्रेम हमें एक दूसरे से रखना है, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। प्रेम की भाषा वो हमें बाइबल के द्वारा सिखाता है। तो हमें प्रेम से ही रहना है, प्रेम से ही, यानी कि कितने बिगड़े हुए काम भी प्यार से हम बोलते हैं तो बन जाते हैं ना। तो प्यार में ही सब कुछ है, प्रेम में ही सब कुछ है। जितना हम प्रेम करेंगे एक दूसरे से उतना अच्छा रिश्ता बना रहेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, प्रेम को अपनाना है, परमेश्वर के प्रेम को हमें अपनाना है और एक दूसरे से हमें प्रेम से ही रहना है। तो अगला वचन हम देखेंगे भजन संहिता का 103 भजन संहिता, उसका 13वां वचन हम देखेंगे कि क्या सिखाता है परमेश्वर का वचन। कि हम परमेश्वर के प्यार में तो है, मगर हमें क्या करना है, उसके प्यार के लिए हमें परमेश्वर के करीब ही जाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 103 का 13वां वचन क्या कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही वो अपने डरवे पर दया करता है। यानी कि दया का मतलब है, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा तो हम किसी पर दया भी नहीं कर सकते हैं। ना किसी से गुस्सा होंगे और उसको कुछ ज़रूरत है, उसको कुछ तकलीफ है, वो बीमार है, तो हम उसकी मदद करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि हम उससे गुस्सा है। मगर हमारे पास अगर प्रेम है तो उस प्रेम के द्वारा ही हम उसके ऊपर दया कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन, भजन संहिता 103 का 13वां वचन, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवे पर दया करता है। तो हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से कर रहना है और एक दूसरे के लिए हमारे अंदर दया भी होनी चाहिए। जब हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, हम एक दूसरे की दया नहीं करेंगे तो हमारा क्या, प्रेम का कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर के पास भी आके हमारा जीवन अधूरा ही है। तो हमें प्रेम के साथ रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत में हम, मैं भी आती हूँ, आप भी आते हैं, हम सब भाई बहन आते हैं। तो परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, तो हमें भी एक दूसरे के साथ, जो कलीसिया से मिलते हैं, कलीसिया में मिलते हैं, कलीसिया से जुड़े हुए हैं, और जो बाहर के लोग हैं उनसे भी हमें प्रेम से रहना है। अगर हम कलीसिया के लोगों से अच्छे रहेंगे और बाहर के लोगों से हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो हमारे अंदर से परमेश्वर जीवित है वो कैसे दिखेगा। तो दूसरे के साथ भी हमें प्रेम से ही रहना है। हमें प्रभु यीशु को दूसरे को दिखाना है हमारे अंदर, यानी कि जगत से चुने हुए हम लोग हैं, जगत से अलग किए हुए लोग हम लोग हैं। तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हम कैसे दिखाई देंगे, तो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, हमारा दिल दया का होना चाहिए। यानी कि किसी को भी देख के, यानी कि किसी को भी कुछ तकलीफ हो रही है तो हम उसके ऊपर तरस खाते हैं, दया दिखाते हैं। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा तो ये सब हमारे अंदर से होगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ये वो अपने डरवे पर, यानी कि परमेश्वर को डर के, परमेश्वर को डर के हम चलते हैं, उसके प्रेम में जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा ये काम अपने आप ही करवा लेता है। तो अगला वचन हम देखेंगे मत्ती का 24:13 वचन क्या कहता है, मत्ती का 24:13 वचन क्या कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेम में हमें धीरज रखना है, हर बात के लिए हमें धीरज रखना है, क्योंकि धीरज ही हमें प्रेम में बदल देता है। अगर हम धीरज नहीं रखेंगे, तुरंत झगड़ा करेंगे, तुरंत हम उल्टा जवाब देंगे, तो हमारे अंदर प्रेम ही नहीं होगा। अगर हमारे अंदर प्रेम होगा तो हम दूसरे ने जो कुछ भी कही हुई बातें हम सब्र करते हैं, हम धीरज धरते हैं। मगर कब, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होगा तभी ये सारी बातें होगी हमारे अंदर से। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। धीरज धरे रहेगा, परमेश्वर हमें बाइबल के द्वारा सिखाता है कि प्रेम है, उसको प्रेम को हमारे जीवन में हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है और हमें धीरज में रहना है। धीरज हम धरेंगे तभी तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होगा। तो परमेश्वर का प्रेम पाने के लिए हमें हमेशा प्रार्थना करते रहना है, बाइबल पढ़ते रहना है, एक दूसरे से हमारा अच्छा मिलना जुलना होना चाहिए, अच्छी बातचीत होनी चाहिए, तभी तो हमारे अंदर से प्रभु यीशु का प्रेम दिखेगा। तो प्रेम के द्वारा ही सब कुछ है, बाइबल ही पूरी है, प्रेम पे आधारित है ये पवित्र शास्त्र, जो बाइबल है ये प्रेम पे आधारित है। प्रेम करना ही सिखाती है हमें, प्रेम के द्वारा ही हम दुनिया को जीत सकते हैं, प्रेम के द्वारा ही हम अच्छा चल सकते हैं, फिर प्रेम के द्वारा ही हम आशीषित हो सकते हैं, क्योंकि प्रेम में सब कुछ छिपा हुआ है। तो प्रेम के द्वारा ही हमें सारे कार्य करना है।
तो अगला वचन भी हम देखेंगे मार्कुस का 13:33 हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते वह समय कब आएगा। परमेश्वर वापस आने वाला है। बाइबल में बहुत बार लिखा है कि जैसे वो गया है वैसे ही वो आएगा भी। तो हमें क्या करना है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते वह समय कब आएगा। तो इसीलिए हमें झगड़ा करते नहीं रहना है, एक दूसरे से गुस्सा करते हुए नहीं रहना है, क्योंकि हम ऐसे करते रहेंगे तो हम पृथ्वी पे ही रहेंगे। इसीलिए हमें मजबूत होना है, परमेश्वर के प्रेम में मजबूत होना है, हमें लोगों से अच्छा रहना है, हमें जो जितना प्यार उसने बांटा है वैसे हमें दूसरों से भी बांटना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो। अगर हमारे अंदर किसी के लिए प्रेम ही नहीं होगा तो हम दूसरे के लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकते ना। इसीलिए प्यार होना जरूरी है, सब बातों में हमें प्यार होना जरूरी है। अगर प्यार नहीं है हमारे पास तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जैसे प्रभु यीशु को हमने अपनाया है वैसे दूसरों को भी परमेश्वर को अपनाने के लिए सिखाना है, परमेश्वर के रंग में उनको ढाना है। तो एक छोटी सी मैं कहानी सुनाऊंगी, यानी कि हमेशा मैं कहानी बताती ही हूँ, तो आज भी मैं वो कहानी बताना चाहती हूँ। माँ बाप और एक बेटी थी। तो बेटी ऑफिस में जाती थी और ऑफिस से आने के बाद में बहुत परेशान थी वो, और ऐसे पापा उसके आए और पूछे क्या हुआ क्यों परेशान हो। बोलते ऑफिस में बहुत गड़बड़ी चल रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो बोलते पापा बोलते किचन में आ जाओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तो उसको बेटी को किचन में ले जाते हैं और 3 गैस चालू करते हैं। एक गैस पे आलू बॉयल करने के लिए रखते हैं, दूसरे गैस पे अंडा बॉयल करने के लिए रखते हैं और तीसरे गैस पे पानी बॉयल करने के लिए रखते हैं। तो अंडा भी बॉयल हो जाता है, आलू भी बॉयल हो जाता है और वो पानी बॉयल होता है उसमें उसके पापा कॉफ़ी डाल देते हैं। तो फिर पापा बोलते हैं कि देखा है तीनों का पहले कैसे थे, आलू बाहर से यानी कि कच्चा था तो कड़क था। इसका मतलब है जब हम ऑफिस जाते हैं नए नए तो हम कच्चे रहते हैं, मगर जब हम जाते जाते वहाँ पे पुराने हो जाते हैं यानी कि समझ लो कि आलू अभी पक गया है तो वो सॉफ्ट हो गया है। तो हमें लोगों से नरमाई से पेश आना है, तो नरमाई से लोगों से पेश आएंगे तभी वो हमारे लिए अच्छे हो जाएंगे। और ये अंडा देखो अभी बॉईल करने के पहले कितना कड़क था मगर वो पकने के बाद में कैसा नरम हो गया अंदर से। वैसे ही हमारा जीवन भी होना चाहिए कि लोगों के साथ हम देखते हैं तो हमारा जीवन बदलना चाहिए। तो वैसे हमारा जीवन बदलता है वैसे उनको भी बदलना सिखाना चाहिए। जैसे सॉफ्ट थे आलू कड़क था बाद में पकने के बाद में सॉफ्ट हो गया, वैसे ही हम लोगों से मिलते हैं तो लोगों को स्वभाव देख के हमें उनसे नरमाई से पेश आना है। और कॉफ़ी का जो उबला कॉफ़ी, तो कॉफ़ी देखो पानी था उसमें कॉफ़ी डाला, कॉफ़ी डालने के बाद में उसका कलर कैसे हो गया, ब्राउन कलर हो गया। अब कॉफ़ी में कितना भी पानी डालेंगे तो कलर नहीं बदलेगा। वैसे ही हमारा स्वभाव भी होना चाहिए कि लोगों हम उनके जैसा नहीं बनना है, लोगों के जैसा हमें नहीं बनना है, उनको हमारे स्वभाव में लाना है। तो उनको हमारे स्वभाव में लाने के लिए हमें क्या करना है, अपने आप को बदलना है, अपने आप को जो परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर है वो उन्हें दिखना चाहिए। हमारे द्वारा जब उनको प्रेम दिखेगा तभी तो हमारे रंग में रंग ढल जाएंगे, है ना, हमारे रंग में तभी तो ढलेंगे। अगर हमारे अंदर ही सारी बुराइयाँ होगी, दुष्टाइयाँ होगी, कमियाँ होगी, गुस्सा होगा, झगड़ा होगा, क्लेश होगा, कपट होगा, तो हम उनको कैसे बदलेंगे। इसीलिए जब परमेश्वर ने हमें बदला है, जैसे कॉफ़ी का उदाहरण लेते हैं ना, आलू का उदाहरण लेते हैं, जैसे हम प्रभु में पहले नहीं थे तो जो चाहे हम करते थे, मगर परमेश्वर के पास आने के बाद में उसका नरम दिल उसने हमें बनाया। अंडे का उदाहरण लेते, पहले सख्त था बाद में पकने के बाद वो भी नॉर्मल हो गया, वैसे हमारा जीवन होना चाहिए। और कॉफ़ी का उदाहरण लेते हैं कि जैसे परमेश्वर ने हमें बदला है तो वापस हमें पानी नहीं बनना है, कॉफ़ी बन के ही परमेश्वर के रंग में हमें रंगना है, दूसरों को भी परमेश्वर के रंग में ढाना है। जब हमारे अंदर ही परमेश्वर के जो ज्ञान है वो अगर नहीं होगा तो हम दूसरे को उस रंग में कैसे ढाएंगे।
तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमारा रंग डार्क ही बना के रखना है, परमेश्वर के अंदर हमारा मन मजबूत बना के रखना है, प्यार भी हमारे अंदर मजबूत होना चाहिए, ताकि हम दूसरों को बांटेंगे, दूसरे फिर परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को देख के प्रभु के पास आएंगे। तो इस कहानी का ये उदाहरण है कि जैसे हम पहले प्रभु में आते हैं वैसे हमें नहीं रहना है। तो परमेश्वर के रंग में हमें रंगना है, परमेश्वर के प्यार में हमें डल जाना है। जो परमेश्वर ने जिंदा प्यार हमारे लिए दिया है, जो कभी ख़त्म ना होने वाला प्यार उसने हमें दिया है, तो वही प्यार हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम दूसरों को दूसरे का रंग बदल के प्यार के रंग में उनको हम रंग डालेंगे। तो कॉफ़ी का उदाहरण हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि कॉफ़ी का रंग देखो कितना भी तुम पानी डालोगे वो लाइट हो जाएगा, मगर पानी का कलर उसको कभी नहीं आएगा। वैसे ही हमारे लिए जो प्रवेश ने यूहन 3:16 परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, तो उसने मेरे लिए भी प्रेम किया, तुम्हारे लिए भी प्रेम किया, सारे जगत के लिए उसने प्रेम किया है। तो वो प्रेम हमें सारे जगत में बांटना है। तो सारे जगत को परमेश्वर के प्रेम में लाने के लिए हमारे अंदर से वो प्रेम दिखाई देना चाहिए। तो हमारे अंदर से प्रेम कैसे दिखाई देगा, हम प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तो ही ना, बाइबल पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। प्रार्थना करेंगे तो हम परमेश्वर के करीब जाते हैं और परमेश्वर हमें सिखाता है कि प्रेम कैसा है, प्यार क्या है। तो जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है वैसे हमें सारे लोगों से भी प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम से रहो, प्रेम में सब कुछ है। तो जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है वो हमें दूसरे से भी करना है। कॉफ़ी की तरह हमें बने रहना है परमेश्वर के प्रेम में, और हमारा प्रेम देख के दूसरे लोग भी परमेश्वर का प्रेम पाने के लिए आएंगे। तो इस कहानी का मतलब यही है। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन, भजन संहिता 103:13 में क्या कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, तो परमेश्वर का प्रेम जब हमारे अंदर होगा तो हमारे अंदर दया भी होगी। और दया रहने के लिए हमें क्या करना है, मत्ती का 13:33 क्या कहता है, देखो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते समय कब आने वाला है। प्रभु यीशु इस जगत में वापस आने वाले हैं, और जो उसे उसके हिसाब में चलते हैं, उसके वचन के मुताबिक चलते हैं, उसके प्यार के मुताबिक चलते हैं, उन्हें वो ले जाने वाला है। तो हमें क्या करना है, एक दूसरे से प्रेम से रहना है, परमेश्वर का जो प्यार हमें फ्री में मिला है हमें भी वो फ्री में ही बांटना है लोगों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। अगर तुम्हारे अंदर से प्रभु यीशु नहीं दिखेगा तो लोग कैसे विश्वास करेंगे कि जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। तो हम सबको आनंद जीवन पाना है, स्वर्ग राज में जाना है, स्वर्ग राज में जाना है, सुख पाना है, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमें करना है। बाय, जय मसीह। हम प्रार्थना करते इस वचन के लिए। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन को प्रभु यीशु आपने दिया, इस वचन को बताने के लिए आपने मुझे सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को प्रभु यीशु जो भी ऑनलाइन देखेंगे भाई बहन प्रभु यीशु, उनको भी आप आशीषित करना, और आपकी प्यार की भाषा उन सबको आप सिखा देना प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु यीशु, आपके मार्गदर्शन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तू चलने वाले हम सबको बना, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।